हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सब स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं। इस बुक को आप लोग देख लिए होंगे। ये बुक आप लोग का अंकित भाटी सर द्वारा प्रकाशित है। ये बुक आप लोग का रोजगार भी अंकित आप लोग नाम सुने होंगे। ये स्टैटिक बुक है। आज हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारतीय लोक नृत्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस बुक के माध्यम से आप सभी का पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। तो हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोग का दो पार्ट में आप लोग का स्टैटिक जीके को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर एवं टॉपिक दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग का पूरा स्टैटिक जीके कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज का पहला चैप्टर है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप सभी को याद करवाने की कोशिश करूंगा। इसका आप लोग का दो पार्ट आएगा लोक नृत्य का, क्योंकि ये हूँ। तो आप लोग आंध्र प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य है, जैसे भी आप लोग का दिया गया, तो इसमें से जो भी आप लोग का सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ, यानी जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया किसी भी एग्जामिनेशन में, हम लोग पहले उसको देखेंगे। आप लोग का सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो आप लोग का हर एक बार पेपर में पूछे जाने की संभावना है उसको देखते हैं। तो पहला आप लोग का इसमें जो हर एक बार आता है, इसके आप लोग का गोभी आप लोग याद रख लीजिएगा। गोभी हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप लोग का बोनालू हो जाएगा, फिर एक आप लोग का माधुरू हो जाएगा, और फिर एक आप लोग का हो जाएगा डांडिया। ये आप लोगों तीन आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ये तीन चार आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। गोभी, डांडिया, बोनालू और माधुरी और कुम्मी, ये पांच आप लोगों को याद होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। और बाकी जो भी आप लोगों को ये सब नृत्य है, इस सबको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। एक बार में याद होने वाला नहीं है, बट आप लोग इसको कॉपी में आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, तो आप लोग धीरे धीरे याद हो सके। अगर याद न भी हो पाएगा तो आप लोग, अगर आप लोग के अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देके आप लोगों का माइंड क्लिक कर सकता है। तो आप लोगों का पहला है आप लोगों का सिद्धि माधुरी। सिद्धि माधुरी याद कर लीजिएगा। सिद्धि माधुरी भी एक आप लोगों का आंध्र प्रदेश का ही एक नृत्य है। फिर आप लोगों का एक है आप लोगों का घंटा मर्दाला, यानी घंटा मर्दाला भी आप लोग याद कर सकते हैं, मर्दाला याद कर सकते हैं। और आपका चौथा है बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू याद कर सकते हैं। बुट्टा बोमालू कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में बुट्टा बोमालू। फिर आप लोगों का पांचवा और छठा आप लोगों का भाम कल्पक्कम है। भाम कल्पम या आप लोग याद कर सकते हैं। अगला आप लोगों का डप्पू है। डप्पू भी आप सब याद कर सकते हैं। ये सब आपको आप लोग सुनिए और कॉपी में नोट करिए। हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से याद करिए और लिखिए, जिससे कि आप लोगों को माइंड में बस सके। फिर आपका अगला है आप लोगों का तपता गुल्लू आप लोग याद कर सकते हैं। तपता गुल्लू, फिर एक आप लोग लंबाड़ी भी याद कर सकते हैं। एक है आप लोग ढिमसा भी आप लोग देख लीजिएगा। एक है ढिमसा कोलट्टम आप लोग याद कर सकते हैं। और आखिरी है वीर नाट्यम भी याद कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो आप लोगों को पाँच जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि डांडिया हो गया, बोनालू हो गया, माधुरी हो गया, गोभी हो गया और कुम्मी हो गया, ये सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। बट ये जो मैंने आप सबको बताया, ये सभी आप लोग याद कर सकते हैं। और देखिए इसमें से कुछ आप लोग का इंपॉर्टेंट जो नोट है उसको देख लीजिए। देखिए ये जो बुक में थोड़ा आप लोग का कमियां क्या है, बट हल्का फुल्का हिंट देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हम लोग इसको बुक को हम लोग पूरी तरह से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला आप लोग का इंपॉर्टेंट नोट है, कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। यानी कि ये जो आप लोग का नृत्य है, ये तो आंध्र प्रदेश का है नृत्य, बट ये आप लोग का तमिलनाडु तथा केरल में भी लोकप्रिय है, यानी ये दोनों राज्य में भी मनाया जाता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला नोट है आप लोग का, कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। यानी कुम्मी जो आप लोग का नृत्य है, वो महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला आप लोगों का नोट है, कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करती हैं। यानी तालियां बजाकर किस कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। और आप लोग का अगला आता है गोभी नृत्य। गोभी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो कि विवाहों में किया जाता है, वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। और आप लोग ये याद करिएगा कि वाह वाह के शोर के साथ इसको बजाया जाता है ये नृत्य। और आप लोग नृत्य है को मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो कौन सा नृत्य आप लोग का मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आप लोग का श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। यानी ये जो आप लोग का नृत्य है, ये श्रावण वर्षा के दौरान। अगला पॉइंट है आप लोग का डांडिया नृत्य। रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ये जो आप लोगों का डांडिया नृत्य है, इसमें रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहाँ उनका दिल से स्वागत किया जाता है डांडिया के नृत्य में। ये जो आप लोगों का डांडिया आप लोगों का नृत्य है, भी आप लोग याद करिएगा। अगला आप लोगों का जो नोट है, वीर नाट्यम में क्या होता है, तो वीर नाट्यम भक्तिपूर्ण
अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। तो आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में वीर नाट्यम नृत्य होता है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है आप लोग का बूहा बोमालू। बूहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर विभिन्न मुखौटा पहनते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है आप लोग का ढिमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातियों कपड़े की है। यह नृत्य आप लोग का 10-15-20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है आप लोग का बथुकुंभा। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथुकुंभा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आखिरी आप लोग का पॉइंट है बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रख कर किया जाता है। तो ये आप लोग का जो बोनालू नृत्य है, ये आप लोग का महिलाओं के सिर पर बर्तन रख कर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग का। क्या अब हम लोग असम की ओर पहुंच गए हैं, जिसको हम लोग फिर से आप लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार आंध्र प्रदेश का, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से याद हो जाए। और इसी वीडियो में देखिए आप लोग का, ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। पहला आप लोग का क्या मैंने बताया था, कुंभी नृत्य, फिर आप लोग का बोनालू नृत्य, फिर आप लोग का मधुरी नृत्य, गोवी नृत्य, डांडिया नृत्य, फिर ये सभी आप लोग याद करिएगा। ये आप लोग का हो गया। आप लोग इंपॉर्टेंट नोट जो है खुद से पढ़िए और इसका पीडीएफ मैं आप लोग को डलवाने का प्रयास करूंगा। कुंभी नृत्य भारत के तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है, ये मैं बता दिया। कुंभी नृत्य को महिलाओं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती हैं। कुंभी लोक नृत्य में संगीत वाद नहीं होते हैं, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करती हैं, सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग असम की ओर बढ़ रहे हैं। असम में आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग का नृत्य पाए जाते हैं, असम में जितने भी आप लोग के नृत्य हैं वो सभी, कोई कोई नृत्य पूछा जाता है, सभी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो असम परीक्षाओं के लिए उतना जरूरी नहीं है, इसमें से 2-3 नृत्य हैं जो कि आप लोग का जरूरी है। जो कि पहला आप लोग का जो इसमें नृत्य है वो आप लोग का है बथुकुंभा नृत्य, जो कि हर एक बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये बिहू नृत्य, बिहू नृत्य तो इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं, देखिए बिहू में बहुत सारे पार्ट है, लेकिन आप लोग का जहाँ कहीं भी बिहू दिखे तो आप लोग असम टिक कर दीजिएगा। तो बिहू आप लोग का असम का है, फिर एक आप लोग बथुकुंभा है, फिर बागुरुम्बा भी याद कर सकते हैं, फिर कली गोपाल भी पूछा जाता है, और आप लोग का बिछुआ भी याद रखिएगा, बिछुआ और आप लोग का कली गोपाल और बिहू, फिर आप लोग का बगुरुम्बा और बथुकुंभा, सभी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है, ये आप लोग का जो नट पूजा है, महारस खेल है, और ये आप लोग का जो गोपाल है, अकिया नट है, सभी आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। तो असम में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बुक में क्या है। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्य रूप से बच्चों द्वारा की जाती है। ये आप लोग का हो गया बिछुआ नृत्य। आगे है आप लोग का बागुरुम्बा नृत्य। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बोडो जनजाति द्वारा बागुरुम्बा नृत्य को किया जाता है और यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। ये जो आप लोग का बागुरुम्बा महोत्सव है, जो आप लोग का ये नृत्य है, ये आप लोग का बोडो उत्सव के द्वारा किया जाता है। तो बोडो उत्सव के द्वारा बागुरुम्बा नृत्य असम में किया जाता है। अगला है बिहू। बिहू एक समूह नृत्य, मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे नृत्य आते हैं बिहू में। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती हैं। पुरुष और महिला एक साथ बिहू नृत्य करती हैं। अगला है आप लोग का झुमुरा नृत्य। असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झुमुरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया, सभी आप लोग का खत्म हो गया। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में पहुँच गए हैं। अरुणाचल प्रदेश आप लोग का भी इम्पोर्टेंट है नृत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इन लोग अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। मुखौटा नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, मुखौटा नृत्य। फिर आप लोग का हो गया इसमें आप लोग का वांचो नृत्य, फिर आप लोग का इसमें लायन नृत्य, सभी आप लोग का इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देते हैं आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसमें अरुणाचल प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण 4-5 नृत्य है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आप लोग का नृत्य है इसमें से युद्ध नृत्य, जो कि बार बार पूछा जाता है। मुखौटा नृत्य भी आप लोग का कई बार पूछा गया, तो युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, और आप लोग का ये जो लायन एंड पीक, ये भी आप लोग का कई बार पूछा जाता है। फिर एक आप लोग का बारडो छम, चार आप लोग नृत्य याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन नृत्य, मैं आप लोग को लिख देता हूँ। मुखौटा नृत्य, फिर आप लोग का युद्ध नृत्य, फिर आप लोग का लायन एंड पीक नृत्य, फिर आप लोग का बारडो छम, और एक और आप लोग याद कर सकते हैं तो बुइया भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये 4-5 आप लोग याद रखिए, बाकी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और जो होंगे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे इसमें आप लोगों का क्या नोट है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। ये जो आप लोगों का मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से भी है। युद्ध नृत्य उसको मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। बुइया लोक नृत्य डिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोतों से संबंधित है, याद कर सकते हैं इसको।
अगला आप लोग का जो पॉइंट है, वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। वाडो छाम नृत्य को कलाकार रंगीन मुखौटा पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। ये आप लोग का वाडो छाम नृत्य भी याद कर सकते हैं। ये जो अगला आपका इंपॉर्टेंट लायन एंड पिक, लायन एंड पिक जो आप लोग का है वो आप लोग का डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। ये जो आप लोग का लायन एंड पिक जो आप लोग का डांस है, ये आप लोग का मोनपा जनजाति का एक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटा पहनती है। सभी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इसको कहा जाता है लायन एंड पीक डांस, जो कि आप लोग का जो मुर्गा और शेर के समान के मुखौटा पहनती। अगला आप लोग का है रिखम पाडा। रिखम पाडा आप लोग का जो नृत्य है, आप लोग का अबोटिनी पूर्ववासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। मुर्गा एवं शेर भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश हम लोग का समाप्त हो गया है। अगला जो राज्य की ओर बढ़ते हैं, बिहार, सबका फेवरेट सबका अच्छा वाला राज्य बिहार। बिहार जो भी बिहारी हैं कमेंट करके बताइए कौन कौन किस राज्य से हैं। बिहार से हम लोग बिहार को पढ़ते हैं। बिहार में है पहला नृत्य, आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट नृत्य भी मैं बता देता हूँ। पहला आप लोग याद रखिएगा विदेशिया, सबसे जरूरी विदेशिया नृत्य याद रखिएगा। फिर आप लोग का दूसरा याद रखिएगा जाट एवं जाटिन। तीसरा आप लोग याद रखिएगा झिझिया। चौथा आप लोग याद रखिएगा छऊ नृत्य भी याद रखिएगा, और कर्मा नृत्य भी याद रखिएगा, और पाइका। ये चार पांच आप लोग याद रखिएगा जो मैंने बताया, और बाकी आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। रोज इसके लिए इम्पोर्टेंट नोट क्या है देख लीजिएगा, देख लेते हैं हम लोग। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है। तो जाट एवं जाटिन की प्रेम कहानी क्या याद रखिएगा। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झुमरी जो आप लोग का झुमरी जो नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए झिझिया नृत्य किया जाता है बिहार। अगला जो आप लोग का नोट है वो कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करने के लिए, यानी कि पुरस्कार देने के लिए कजरी नृत्य किया जाता है बरसात के मौसम में। अगला पाइका नृत्य भी नृत्य है। इसका उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास करना, ये आप लोग का इसके लिए नृत्य किया जाता है। तो ये आप लोग का बिहार भी कंप्लीट हो गया। हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य है उसको देख लेते हैं। तो पहला आप लोग छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा राउत नाच। राउत नाच बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, राउत नाच याद रखिएगा, पंडवानी याद रखिएगा, और भी जो आप लोग का नृत्य है उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ये दो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए, ये दोनों ही काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगर छत्तीसगढ़ से किसी भी तरह का नृत्य पूछा जाता है, पहला आप लोग का पंडवानी और आप लोग का राउत नाच बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, कर्मा, पाली, टपाली, झूमर, गेबी, थरथरी, चंदेरी, सुआ नाच, सैला, पंथी। हाँ, पंथी याद रखिएगा, एक पंथी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का तीन बहुत ये तीन जो आप लोग का लोक नृत्य है ये इंपॉर्टेंट आप लोग का निकल गया है छत्तीसगढ़ से, कि छत्तीसगढ़ में तीन इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। पहला आप लोग का है पंडवानी, दूसरा आप लोग का है राउत नाच, और तीसरा आप लोग का है पैंथी। पैंथी यानी तीन लोक नृत्य आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट नोट की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए नोट में सभी के लिए जरूरी है, पढ़ सकते हैं आप लोग। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड और बैगा और उड़ांग जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। अगला चलते हैं पंथी नृत्य। सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं किसी भी बाजार में ऐसे लोग डांस करते हैं। आगे है सुआ नाच। सुआ नाच नृत्य देखिए किसी भी के लास्ट में आप लोग का नाच लिखा रहे ना, तो आप लोग याद कर सकते हैं कि वो छत्तीसगढ़ जैसे राउत नाच है, और ये आप लोग का सुआ नाचा है। तो आप लोग उसको एक हिंट के तरह से याद कर सकते हैं। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। तो तोता नृत्य भी कहा जाता है सुआ नृत्य को। अगला है सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह और भावना के संचार से है। ये सब जो टॉपिक है ये सब जल्दी याद नहीं होता है, इसको आप लोगों को रटना पड़ेगा तब आप लोग का याद होगा। एक है चंदैनी नृत्य। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य में
दोहे गाए जाते हैं। तो यह यादव समुदाय द्वारा राउत नाच किया जाता है। अगला पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। तो पंडवानी नृत्य आप लोग महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। पंडवानी नृत्य भी खत्म हो गया आप लोग का, आप लोग का छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया। आप लोग गोवा की ओर प्रस्थान करते हैं। गोवा में सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग का फुंगडी, फुंगडी नृत्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले स्थान पर है। और दूसरा आप लोग का इसमें आप लोग का इम्पोर्टेंट है मोरूलेम, मोरूलेम भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट आप लोग का इसमें है मुसोल, मुसोल नच भी आप लोग याद कर सकते हैं, मुसोल नच डर डेलो, ये तीन आप लोग का महत्वपूर्ण है। और भी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी से पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर लिया जाएगा। तो मतलब मेरा काम है आप लोग इसको बता देना, तो मैं बता देता हूँ, याद तो नहीं हो पाएगा लेकिन आप लोग सुनिएगा तो शायद याद रहे आप लोग एग्जाम में। तो आप लोग का पहला है फुगंडी, फुगंडी आप लोग का पहला है। फिर आप लोग का दूसरा है डेखनी नृत्य, अगला आप लोग का धनगर नृत्य, अगला है टोनी मेल, टोनी मेल भी आप लोग का एक यहाँ का नृत्य है। और आगे का आप लोग का कोरेडिनो, कोरेडिनो भी आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कोरेडिनो। आगे मैं जो बताया था आपको कि मोरे मोरूलेम भी आप लोग का जरूरी है, मोरूलेम, कुंबी नृत्य, तलगड्डी नृत्य, जागोर नृत्य और भोमांडी, मुसोल नच डडोले, मुसेल नच डडोले। इसमें से आप समाप्त हो गया आप लोगों का गोवा का। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको देख लेते हैं। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मांड में डोलो का आयोजन किया जाता है। अगला नृत्य पे चलते हैं, डेखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्ण रूप से समर्पित है यह। अगला का नृत्य आप लोग, अगला पॉइंट है धनगर नृत्य, चरवाहों के एक समुदाय से धनगर, धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा किया जाता है। धनगर आपको धनगर नृत्य है, चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। इसमें अगले का जो आगे का जो आप लोग का पॉइंट है फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो फुगंडी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा भी आप लोग का समाप्त हो गया। अगला गुजरात, गुजरात नृत्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप लोग का बहुत नृत्य पाए जाते हैं। पहला गरबा आप लोग का याद ही होगा, गरबा बहुत लोग को बहुत लोग का अच्छा आप लोग का पॉपुलर नृत्य है, गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य आप लोग का, फिर रासलीला भी आप लोग का गुजरात में मनाया जाता है, और पनिहारी, ये आप लोग को पूरा याद करना है जो आप लोग का गुजरात का लोक नृत्य है पूरा याद करना पड़ेगा आप लोग को। पहला है डांडिया, दूसरा है टिपनी, लासिया, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई और गरबा, तो पूरा याद हो गया होगा। चलिए इम्पोर्टेंट नोट में पर देखते हैं। गरबा लोग गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे नौ रातों में किया जाता है, इसलिए यह बहुत पॉपुलर है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार मान। तो ये आप लोगों का पहला आप लोगों का हो गया ये नृत्य जो कि पूरे भारत में किया जाता है, इसको पूरा पॉपुलर है। आगे आप लोग का डांडिया नृत्य जो कि ये भी पूरा लोकप्रिय है। और जो आप लोग आगे का जो नृत्य है भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। भवई नृत्य भी आप लोग का गुजरात से याद रखिएगा। आखिरी आप लोग का पॉइंट है टिपनी नृत्य, मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ लेकिन अब यह त्यौहार और विवाह पर भी किया जाता है। टिपनी नृत्य भी याद रखिएगा। अगला हरियाणा का इम्पोर्टेंट नृत्य है। हरियाणा में आप लोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। झूमर है, झूमर नृत्य याद रखिएगा, झूमर है, घूमर है, धमाल आप लोग का जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है, मजीरा है, रासलीला आप लोग का अभी मैंने पढ़ा, और छवि नृत्य आप लोग पहले याद रखिएगा, छवि नृत्य, खेरिया और झूमर, फाग नृत्य, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा किसान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसको, इसीलिए उसे फागुन फाग नृत्य कहा जाता है। फागुन के महीने में किसानों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वयंग का अर्थ है आप लोग का कि प्रच्छन्न या प्रतिरूपति करता है यह नृत्य, आप लोग प्रतिरूपति करना यह नृत्य का काम। अगला आप लोग का जो है नृत्य छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। छठी नृत्य आप लोग का कई राज्यों में मनाया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है, इसलिए छठी नृत्य याद रखिएगा हरियाणा में है। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य फसल में कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन ड्रेड वर्क के साथ पहनती है। तो गोल्डन ड्रेड वर्क के साथ आप लोग का घोड़िया नृत्य में आप लोग का पहनती हैं।
अगला नृत्य घूमर नृत्य को नत्यांगाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देती है। तो अब आप लोग के सामने आया हिमाचल प्रदेश का नृत्य। हिमाचल प्रदेश आप लोग का एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोग का हिमाचल प्रदेश में पहला नृत्य जो आप लोग का इम्पोर्टेंट है उसका नाम है नाटी। नाटी लोक नृत्य कई परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे साथियों, तो नाटी नृत्य इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आप लोग का इसमें जो नृत्य है वो छत्रक नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। छत्रक याद रखिएगा, छम याद रखिएगा, और आप लोग का राक्षत नृत्य भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग का जो चार नृत्य बताएं ये आप लोग का याद होने चाहिए पूरी भी कई भी किसी भी एग्जाम से जाने से पहले। राक्षत नृत्य, नाटी नृत्य, आप लोग का छत्रक नृत्य, छम नृत्य या आप लोग का, और एक डांगी नृत्य। 6-7 नृत्य हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। ठोडा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कयांग माला नृत्य, एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षत नृत्य दानों को क्षमा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नक्तकी ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनना जाता। तो आप लोग का जो हिमाचल प्रदेश था वो कवर हो गया। अब हम लोग झारखंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड का नृत्य हम लोग देख लेते हैं। फगुआ, फगुआ नृत्य आप लोग का झारखंड में नाम ही है, लेकिन फगुआ से पहले जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 3-4 नृत्य उसको याद रखिएगा। देखिए पाइका नृत्य भी आप लोग का झारखंड में देखा गया है, लेकिन पाइका आप लोग का भारत में, पाइका बिहार में भी मनाया जाता है, और बिहार का जो सीमा है वो झारखंड से लगता है, इसलिए ये दोनों राज्यों में पाइका नृत्य पूछा जाता है। तो आप लोग इसमें सरहुल आप लोग त्यौहार, सरहुल एक त्यौहार भी है और सरहुल एक नृत्य भी है, तो सरहुल आप लोग को याद होना चाहिए अच्छे तरीका से। और एक इसमें से छऊ और सरहुल आप लोग को याद होना चाहिए। बाकी जो आप लोग इसमें नृत्य है मैं उसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। फगुआ, मंडारी, सरहुल तो आप लोग का इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है बड़ाओ, एक है डमकच, एक घोड़ा नाच, घोड़ा नाच आप लोग याद रखिएगा, और संथाल, क्योंकि वहाँ की संथाल जनजाति है इसीलिए संथाल नृत्य भी वहाँ किया जाता है। जिताका, मांडा नृत्य, मर्दानी, लहसुइया, सब नृत्य मैं बोल देता हूँ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से इम्पोर्टेंट नोट हम लोग देख लेते हैं। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। अगला नोट है छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है, इसलिए जो फगुआ नृत्य। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान के लिए किया जाता है। अगला घोड़ा नाच पुरुष द्वारा शादी के दौरान किया जाता है, घोड़ा नाच नृत्य। एक है लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है, इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग होता है। एक है मुंडारा नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। झारखंड का इम्पोर्टेंट जनजाति मुंडा, इसलिए उसको मुंडारी भी आप लोग इसे याद कर सकते हैं। आगे का राज हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक। झारखंड के बाद आप लोग का कर्नाटक आता है। कर्नाटक में आप लोग का यक्षगान तो पता ही होगा, इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए यक्षगान। दूसरा है डोलू नृत्य, डोलू आप लोग का इम्पोर्टेंट है। और अगला है आप लोग का यक्षगान, कुनीथा भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले आप लोग का यक्षगान तो किसी भी तरीके से याद रखिएगा यक्षगान। डोलू नृत्य दो आप लोग को हो गया इम्पोर्टेंट, और आप लोग तीसरा है बिलैटा नृत्य, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो 3 नृत्य आप लोग का इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। यक्षगान डोलू, कुनीथा, वीरगासे, बिलालाता, कृष्णा परिजात, नागम मांडला, जूडूहैली, बिलैटा अब कृष्ण पर आया, और बिलैटा आप लोग याद रखिए। इसमें दो गो है, एक है बिलालटा, एक है बिलैटा। तो आप लोग जब भी बिलैटा दिखे तो कर्नाटक याद रखिएगा। एक है कृष्णा जी जो कि हैं, वो लोग याद रखिएगा आप लोग को। कृष्णा जी के लिए भी एक नृत्य है कर्नाटक में, कर्नाटक से भी याद कर सकते हैं कृष्णा जी से। नोट है इसमें क्या है देख लेते हैं। नोट आप लोग का कर्नाटक में कृष्णा जी वाला हो गया। आप लोग आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट में यक्षगान। देखिए वीडियो आपका लंबा हो रहा होगा, पर आप लोग को जरूरी है, याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग का ये सब हो गया, हम लोग इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट देखते हैं। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है, जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की गई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट है आप लोग का, डोलू कुनीथा एक रस्सी नृत्य है जो कि आप लोग का मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के दौरान लोकप्रिय है। ये कुनीथा ढोल नगोड़ा की थाप और नाच गाने के साथ होती है। एक है आप लोगों का नाग मांडला, नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है नाग मांडला नृत्य। एक है आप लोगों का कृष्णा प्रजाति एक धार्मिक, यानी कि इसमें कृष्ण भगवान की पूजा के लिए इसमें उसको किया जाता है कृष्णा प्रजाति एक धार्मिक नृत्य। एक है वीरगास नृत्य एक दशहरा उत्सव पर किया जाता है, यह श्रावण और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय है वीरगास। तो आप लोग आज मैं कर्नाटक तक ही आप लोगों को रखता हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोगों को इससे आप लोगों को दिक्कत भी हो पा रही होगी, आप लोग इसको आप लोगों को बोरियत फील हो पा रहा होगा। तो आगे का जो आप लोग का राज है हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो आज हम लोग कर्नाटक तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो हम लोग अब केरला के जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए केरला में जितने भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उसको हम लाइन बाय लाइन आप सबको आपके सामने रखेंगे। पहला आप लोग का है काकरसी काली। काकरसी काली लोक नृत्य आप लोग का केरला से संबंधित है। अगला आप लोग का डप्पू काली है, यानी आप लोग का काकरसी काली डप्पू काली। फिर आप लोग का है वेला काली, यानी कि अंत में जिसके भी लास्ट में काली लगा हुआ हो आप लोग उसको एक हिंट के माध्यम से याद कर सकते हैं कि वो केरला का लोक नृत्य हो सकता है। काकरसी काली डप्पू काली और आप लोग का एक वेला काली। फिर आप लोग का जितना भी महत्वपूर्ण है मैं उसको बता देता हूँ। एक है आप लोग का सरपम कुट्टल, एक है आप लोग का सरपम कुट्टल। फिर आप लोग का है एक कवाडी ओहम। फिर आप लोग का है थम्पी थुल्लल, थम्पी थुल्लल भी आप लोग याद रखिए। फिर आप लोग का है मार्गम काली कुमती। फिर आप लोग लास्ट है आप लोग का कडुआ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी में लिखिए फिर इसको माइंड में रिकॉल करने का प्रयास, जितने बार आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिएगा तब आप लोग को एग्जामिनेशन में हिंट मिलेगा। आप लोग इसको एक बार आप इसको पढ़ लीजिए फिर आप लोग कॉपी में यानी कि आप लोग ब्लैंक पेज में सबको लिखने का प्रयास करिएगा तब आप लोग का ये सब याद होने का हल्का याद होगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। आप लोग का पहला है दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है, यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कवादी ओटम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के लिए है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वेला काली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है, ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कवादी ओटम नृत्य, ये आप लोगों को सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित। और ये आप लोगों का जो वेला काली जो आप लोगों का नृत्य है ये आप लोगों का नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य। आगे है थियाटट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। अगला है कोलम थुल्लल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए हो किया जाता है कोलम थुल्लू। अगला आप लोग का कडुआ नृत्य को पुली कली नृत्य भी कहा जाता है, तो कौन से नृत्य को आप लोग का पुली कली कहा जाता है तो कडुआ नृत्य आप लोग को याद होना चाहिए कौन से है, तो ककड़ से कडुआ और से केरला, तो केरला में नहीं हो सकता आप लोग का, आप लोग याद देखिए। अभी आप लोग पढ़ लिए केरला का जितना भी लोक नृत्य, अब आप लोग कॉपी में जाइए और उसको एक खाली पेज में उसको कॉपी में आप लोग लिखिए कि मैंने कौन कौन सा जो एक नृत्य है जो कि मैंने कौन कौन से लोक नृत्य केरला में है उसको आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करिए तब आपको याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लीजिए। देखिए स्टैटिक जीके में 3-4-5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग को याद नहीं होगा, उसको आप लोग बार बार आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग का पहले बता दिया कि कड़ुआ नृत्य को पुपुली कला भी कहा जाता है, कौन सा नृत्य कड़ुआ नृत्य। अगला है कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लड़की के मुखौटा पहनती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोग का थोड़ा अगर घुमा के पूछ दिया जाए कि कड़ुआ नृत्य को क्या कहा जाता है, चाहे ये सब जो अभी लिखा इसलिए ये बुक में दिया गया तो इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से बुक काफ़ी बढ़िया है। चलिए हम लोग लक्षद्वीप के लिए, यानी देखिए हम लोग केरला समाप्त हो चुका है, आगे आप सभी के लिए लक्षद्वीप में जितने भी लोक नृत्य है इसमें थोड़ा ज़्यादा लोक नृत्य नहीं है, 3-4 है, तीन ही हैं आप लोग का। पहला है कोलकली नृत्य, फिर आप लोग का लावा, फिर अगला आप लोग का परिच कली और कोलकली और लावा। देखिए तो लास्ट में कली लगा हुआ है तो आप लोग लक्षद्वीप याद कर सकते हैं, एक तो आप लोग कोलकली और परिच कली, तो आप लोग लास्ट में जहाँ कभी कली लगा हो तो आप लोग लक्षद्वीप को आप लोग उसको मार सकते हैं, और एक लावा नृत्य तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता। अगला है कोलकली और परिच कली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है, तो आप लोग को ये दोनों लक्षद्वीप में हमेशा याद होना चाहिए। यह लावा नृत्य आप लोग का याद हो या ना हो लेकिन ये कोलकली और परिचकली आप लोग को याद होना चाहिए।
चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है, अब हम लोग मध्य प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य हैं उसको देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश को हम लोग पहले आप लोग का जवारा लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें से जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है मैं उसको पहले आप लोग को बता देता हूँ। पहला आप लोग का इसमें मटकी लोक नृत्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मटकी। फिर आप लोग का जवारा है, फिर अगला आप लोग का मुड़िया है। तो आप लोग दो तीन आपको याद हुआ होगा, जवारा लोक नृत्य, मटकी लोक नृत्य, फिर आप लोग का तुतीली नृत्य, फिर आप लोग का चौथा है आप लोग का मुड़िया, फिर आप लोग का है पार्टी नोक नृत्य, फिर अहिरी नृत्य, फिर आप लोग का है लहंगी नृत्य, फिर फुल पार्टी नृत्य। सब आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है, और आप लोग का तुतीली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। अगला आप लोग का मुड़िया नृत्य आप लोग का लीगो पेन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के प्रार्थना करता है। अगला आप लोग का बार्डी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। अहिरी नृत्य को आप लोग का अहिरी समुदाय, यानी अहिरी नृत्य आप लोग का समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं आप लोग का। फिर जवारा नृत्य को विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश में जितने भी लोक नृत्य हैं मैंने उसको बता दिया। अब इसको मैं फिर से दोबारा से आप सभी के लिए रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। पहला आप लोगों का था जवारा लोक नृत्य, दूसरा आप लोगों का था मटकी लोक नृत्य, तीसरा आप लोगों का था सैला लोक नृत्य, चौथा था आप लोगों का तुतीली नृत्य, पाँचवा मुड़िया नृत्य, छठा आप लोगों का बाडी नृत्य, सातवां आप लोगों का अहिरी, फिर आप लोगों का अगला था फुल पार्टी नृत्य, फिर अगला था लहंगी। सभी आप लोगों को याद हो चुका होगा। चलिए हम लोग महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। पहला आप लोगों का लवनी तो इतनी बार पेपर में पूछा गया कि उसका मैं आपको बता नहीं सकता। लवनी लोक नृत्य, फिर आप लोग का तमाशा, ये भी बहुत बार पूछा गया, फिर आप लोग का पोवाडा, फिर आप लोग का लैजिम, यही चार आप लोग याद रखिएगा। लवनी आप लोग याद रखिए, तमाशा याद रखिए, लैजिम याद रखिए, पोवाडा याद रखिए। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट नोट की ओर बढ़ते हैं। काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता कौन? तो काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है, यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है, तो कोली नृत्य को कोलिस भी याद रखिएगा। लवनी नृत्य को नौ गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पोवाडा नृत्य को छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया इस नृत्य में। लैजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो गणेश उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो लैजिम नृत्य गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है पूरे भारत में बहुत प्रचलित है लैजिम नृत्य, तो ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मणिपुर की ओर। अब आप लोग महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया, हम लोग मणिपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मणिपुर में आप लोगों का पहला नौकरी थे लाई हड़ोबा लोक नृत्य बहुत फेमस है किसी भी परीक्षा के लिए। तो कि जब कोई भी एग्जाम दीजिए लाई हड़ोबा लोक नृत्य आप लोगों को मिलेगा। तो अब लाई हड़ोबा आप लोग याद रखिए पहला लोक नृत्य, फिर आप लोग का रासलीला याद रखिए, जगोई भी आप लोग याद रखिए, फिर आप लोग का चोलम लोक नृत्य, चोलम भी बहुत बार पूछा जाता है, पुंग चोलम, ढोल चोलम, ढोल चोलम, पुंग चोलम, चोलम से आप लोग जब भी चोलम दिखे तो आप लोग ये राज टिक कर सकते हैं। लाई हड़ोबा, पुंग चोलम, फिर आप लोग का ढोल चोलम, फिर रासलीला, जगोई, फिर मार्क नृत्य, खंबा धावी, ये सब आप लोग याद रखिएगा। लाई होड़ोबा, चोलम, डोल चोलम, ठांगटम, ये सब याद रखिए। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन साथ कला का रूप, इसमें खुद पुंग बजाते, ये सब आप लोग याद रखिएगा। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। माई नृत्य लाई होड़ोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुष और महिलाओं देवताओं द्वारा इन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। अगला है खंबा धावी आप लोगों का नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। आगे आप लोग का लोक नृत्य है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आओ बच्चा, नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, फिर रासलीला नृत्य को भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम को दर्शाए, तीनों आप लोग याद रखिएगा, रासलीला यानी कृष्ण और राधा की प्रेम को दर्शाता। अब आ गए हम लोग अगला राज्य की ओर, इसमें आप लोग का है लाहौर लोक नृत्य नोक्रेम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोक्रेम नृत्य बहुत बार पूछा गया, नोक्रेम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और एक आप लोग वांगला लोक नृत्य, तो आप लोग इसमें आप लोग दो याद करिए, नोक्रेम वांगला, फिर आप लोग का साध सुख याद रखिए, ये तीन आप लोग याद रखिए, यही बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम। इसमें इंपॉर्टेंट नोट के जरिए भी आप लोग का जितने भी महत्वपूर्ण है वो भी आप लोग का कवर हो सकते हैं। चलिए लाहौर नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। अगला है नोक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि खासी जनजातियों द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है, और यह पाँच दिनों तक चलने वाली नोक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग, तो ये आप लोग का एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है मेघालय में, नोक्रेम उत्सव भी आप लोग कह सकते हैं इसको। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है, तो 100 ड्रम्स के रूप में किससे जाना जाता है? तो 100
ड्रम्स के रूप में आप लोग का मांगला नृत्य को जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये आप लोग का कवर हो गया। आप लोग अगला राज्य आप लोग का मिजोरम। तो मिजोरम में जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसको देखने वाले हैं। तो आप लोग पहला है चराव नृत्य, चराव लोक नृत्य। फिर अगला, फिर आप लोग का अगला है खुलेआम नृत्य। अगला है छेलाम, छेलाम नृत्य। फिर आप लोग का है संवालिया नृत्य, चैलम नृत्य, पारलैन। फिर अगला आप लोग का सरलाम काई नृत्य। ये आप लोग को याद होने वाला नहीं है, लेकिन मैं तब पर भी आप लोग याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला चराव नृत्य, खुलेआम नृत्य, छेलाम नृत्य, संवालिया नृत्य, चैलम नृत्य। फिर आप लोग का पारलैम नृत्य। फिर अगला आप लोग का है सरलाम काई, सरलाम काई। ये भी याद रखिएगा, इसमें आप लोग को नोट के जरिए याद हो सकता है। चराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। चराव नृत्य याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया। खुलेआम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खूक चवी नामक समारोह के समय किया जाता है। आगे आप लोग का है छेलाम नृत्य में बांस की टीब और आप लोग का ड्रम पीटर्स का प्रयोग। तो कौन छा छेलाम नृत्य याद रखिएगा। अगला है सवालिया नृत्य, युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। चैलम नृत्य को चापचर कूट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता, चैलम नृत्य। अगला लास्ट पारलैम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। चलिए आगे का जो आप लोग का राज्य का जो लोक नृत्य है उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगला आप लोग का नागालैंड। इसमें आप लोग का नागालैंड में वो पहला लोक नृत्य है जो कि आप लोग इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग का मोदस। मोदस लोक नृत्य आप लोग याद रखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आप लोग टिक कर देता हूँ। फिर आप लोग का दूसरा है मयूर नाच, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला मैं आप लोग को बताता हूँ। फिर आप लोग का तितली नृत्य, मोदसा, मयूर नाच, तितली नृत्य। फिर आप लोग का चांगलो, ये चार आप लोग का याद होना चाहिए। फिर आप लोग का इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता देता हूँ। फिर आप लोग का है आप लोगों का मोयानासो, ये भी याद रखिएगा। तो ये आप लोग को मैं एक लाइन बाई लाइन पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो पहला है मोदस, फिर आप लोग का है रेगमा, मयूर नाच, मोयनासो, जेलियांग चंगाई, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य। कुकी नृत्य भी आता है एग्जाम में। कुकी नृत्य किस में है तो आप लोग याद रखिए, इस स्टेट में मनाया जाता है। कुकी नृत्य काफ़ी बार पूछा जाता है। लेसा लूट भी आपका आता है, खम्बा लिम, या फिर आप लोग का है सदल ककई, तितली नृत्य, अगरी शुक्ला, अल्यूटू, चांगलू और कुलुट सेन। कुलुट सेन भी आप लोग याद रखिए। फिर तितली नृत्य, नागालैंड आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसमें नोट आप लोग देख लीजिए, जेलियांग नृत्य को जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलोग, चांगलो नृत्य को चाग जनजाति द्वारा किया जाता है। मोयनासो फोम जनजाति द्वारा किया जाता है। कुकी नृत्य को चांगसिंग नगाओं द्वारा किया जाता है। उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए से बहुत पूछा जाता है। सभी राज्य इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए। पहला घुमीरा नृत्य, घुमारा नृत्य, पाला नृत्य। फिर मैं आप लोग का है दलखाई नृत्य भी याद रखिएगा। दलखाई भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। छाव नृत्य भी आता है एग्जामिनेशन में, छाव नृत्य भी याद रखिएगा। छाव नाच, छाव नाच याद रखिए, छाव नाच, बागा नाच, जिस अंत में जिसके भी नाच नाच लगा हुआ है वो आप लोग उड़ीसा से याद कर सकते हैं। देखिए छाव नाच, बागा नाच, करम नाच। फिर आप लोग का है गोटीपुआ, ये तो बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है गोटीपुआ। फिर एक है डंडारी, डंडारी और मुंडरी, उड़ीसा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं इसको दोबारा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। पहला है घुमारा, फिर आप लोग अगला है पाला, फिर आपका है दलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, फिर आप लोग का है आप लोग का गोटीपुआ। देखिए आप लोग गोटीपुआ के पहले आप लोग का ठप नृत्य, तो ठप ये आप लोग नहीं भी याद रखिएगा, लेकिन आगे का जो आपको याद होना चाहिए मुंडरी नृत्य और आप लोग का डंडारी और मुंडरी। तो आप लोग ये कंप्लीट हो गया। अब अगला है आप लोग का नोट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट, घुमोरा यानी कि घुमोरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। अगला है पाला नृत्य, सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। उड़ीसा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। यह आप लोग को याद नहीं हुआ होगा, फिर आप लोग दोबारा वीडियो को देखिएगा। अगला है डसकठिया नृत्य, गायक के नाटकीय अभियान के इर्द गिर्द घूमता। तो आप लोग डसकठिया नृत्य भी याद रखिएगा, कहाँ डसकथिया नृत्य आप लोग का डसकथिया नृत्य यह कहाँ आप लोग याद करिएगा, आप लोग ब्लैंक पेज में लिखने का प्रयास करिएगा। दलखाई नृत्य ये भी आप लोग का उड़ीसा में है। अगला है बाघा नाच, बाघा नाच में चैत महीने में पुरुष द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने वाले और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं, बाघा नाच। चलिए आप लोग उत्तर प्रदेश की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है? पहला आप लोग का रासलीला नौटंकी, फिर आप लोग का है कजरी, फिर आप लोग का है चपेली, फिर आप लोग का है धोबिया ने लोक नृत्य, फिर आप लोग का है आप लोग का राय लोक नृत्य। इसमें बहुत सारे लोक नृत्य है, लेकिन इसमें से कुछ ही आप लोग को याद रखने हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ।
पहला आप लोग का है रासलीला, दूसरा है नौटंकी, फिर आप लोग का है कजरी। ये तीन आप लोग याद रखिएगा, बाकी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए उत्तराखंड, अगला आप लोग उत्तराखंड में भी बहुत थे लेकिन इसमें भी आप लोग का तीन से चार ही याद रख रहे हैं। पहला आप लोग गढ़वाली, फिर आप लोग का है रनभूट झोलिया, रनभूट झोलिया भी याद रखिए। फिर आप लोग का है अगला आप लोग का है चपाड़ी, फिर आप लोग का रासलीला, फिर आप लोग का है कजरी झोरा, ये भी हारूल, हारूल भी बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग वेस्ट बंगाल की ओर है, अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा तो इसका पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग का है वेस्ट बंगाल में काठी, काठी लोकनृत्य, फिर आप लोग गंभीरा लोकनृत्य, धाली यात्रा बहुत बार पूछा जाता है तो धाली यात्रा आप लोग का वेस्ट बंगाल में याद होना चाहिए, धाली यात्रा। फिर आप लोग का मरसिया लोकनृत्य भी आप लोग का वेस्ट बंगाल में है, कीर्तन, फिर छऊ संथाल, लाठी। देखिए संथाल आप लोग का झारखंड में भी पाया जाता है बट आप लोग का झारखंड का कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल से भी लगा हुआ है, इस कारण आप लोग का कुछ कुछ जनजातियाँ वहाँ भी पाई जाती होंगी, इसलिए यहाँ भी ये मनाया जाता है। आप लोग जम्मू कश्मीर से कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है तो हम लोग अब जम्मू कश्मीर को देखने वाले हैं, तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल कंप्लीट हो चुका होगा पहले। देखिए पश्चिम बंगाल में आप लोग एक याद रखिएगा धाली यात्रा, बस इसे ही आपको आ जाएगा पेपर। फिर आप लोग का जम्मू कश्मीर में हिकात, हिकात तो बहुत बार पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में जितने भी आप लोगों ने लोकनृत्य है वो सभी आप लोग को याद होने चाहिए क्योंकि ये सभी लोकनृत्य आप लोग किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका। तो पहला आप लोग का हिकत है, फिर आप लोग का है, फिर पहला आप लोग का इंपॉर्टेंट हिकत है, फिर आप लोग का राउफ है, राउफ तो बहुत बार ये तो इतना आ चुका है कि मत पूछिए। फिर आप लोग हाफिजा है, तो आप लोग को जब पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं इसलिए इसको वहाँ पे हाफिज बहुत लोग हैं तो आप लोग हाफिजा याद रख सकते हैं। फिर आप लोग राउफ, आप लोग राउफ तो आप लोग को पता होगा। फिर आप लोग का दमाली याद होगा, यहाँ पे आप लोग का दमाली लोकनृत्य भी है। फिर अगला आप लोग का डांडी नाच है, फिर कूद 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 डांडी नाच, आप लोग का जम्मू कश्मीर में है कूद कूद डांडी नाच, फिर आप लोग का है दमहाल, दमहाल भी आप लोग का है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लोकनृत्य आप लोग को पूरा याद होना चाहिए। अब आप लोग का जम्मू कश्मीर के जो बगल का राज है वो आप लोग का लद्दाख आ चुका है। लद्दाख में आप लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आप लोग को एक दो ही याद रख, इसमें आप लोग पहला याद रख सकते हैं सोडाल, सोडोल लोकनृत्य लद्दाख से आप लोग का पूछा जा सकता है बस। फिर आप लोग का इसमें से एक दो याद रखना है, सोडोल आप लोग याद रख लिए, अगला आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट कुछ होंगे। अब आते हैं हम लोग दमन एवं दीव की ओर, दमन दीव में तीन नहीं है, तीन आप लोग याद रखिएगा, मांडो है, मांडो लोकनृत्य दमन दीव में है, फिर आप लोग का वर्दी गाओ, वीरा, वीरा वर्दी गाओ और मांडो, ये आप लोग का दमन एवं दीव में मनाया जाता है। अगला आप लोग का है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में सिर्फ एक लोकनृत्य है आप लोग का, तो पौंडीचेरी आप लोग को याद रख सकते हैं, गराडी लोकनृत्य पौंडीचेरी में मनाया जाता है, गराडी, गराडी लोकनृत्य। पंजाब, पंजाब इंपॉर्टेंट है लोकनृत्य की दृष्टि से, भांगड़ा तो यहाँ नामी है, भांगड़ा और गिड्ढा आप लोग को याद होगा। फिर आप लोग का धूमल है, फिर आप लोग का दफ है, धमान है, नकुला है, लड्डू है, जूली है, धनकड़ा है, सम्मी है, किकली है, तीजन है, बागा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भांगड़ा नृत्य वैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, झूमर नृत्य पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह धीमा कथा, यह धीमा तथा लय बुद्ध नृत्य होता है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य को रिंग रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया। अगला है किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग पंजाब भी क्लियर हो गया, अब हम लोग राजस्थान की ओर आगे बढ़े। राजस्थान में पहला लोकनृत्य आप लोग का सबसे फेमस कलबेलिया लोकनृत्य और पन्हारी लोकनृत्य, ये दो आप लोग याद रखिए, पन्हारी और कलबेलिया लोकनृत्य और घूमर लोकनृत्य। अगला आप लोग का जिंदाद, तीन चार आप लोग याद रखिए, बाकी आप लोग से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। पन्हारी, कलबेलिया, घूमर और सुई सुनी, सभी सुई सुनी भी आप लोग का आता है एग्जाम में, तो तीन चार मैंने बता दिया वही आप लोग आता है। तो पहला आप लोग इसमें से पॉइंट देख लेते हैं, चेरी नृत्य ने, चेरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियां प्रकट करती है। कलबेलिया राजस्थान का सांप छुछुंदर समुदाय है जो कि कलबेलिया नृत्य करता, तो सांप छुछुंदर समुदाय है, सांप छुछुंदर ससुराय। तो आप लोग का सांप छुछुंदर भी हो गया। आप लोग का सिक्किम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, सिक्किम में आप लोग का कौन इंपॉर्टेंट लोग नृत्य है, सिक्किम के हम लोग देख लेते हैं, चूफाट, चूफाट पिछला बार आ चुका है एग्जाम में, तो चूफाट कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है चूफाट। फिर एक सिकमारी, तो सिक्किम से सिकमारी तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, चूफाट और सिकमारी। फिर एक आप लोग का स्लो स्नो लैंड भी पूछा जाता है सिक्किम, देखिए सिक्किम इसलिए आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है और वहाँ से एग्जामिनेशन वाले सवाल बनाते हैं, तो इसलिए आप लोग सिक्किम पूरा याद करवाऊंगा मैं। पहला आप लोग का चूफाट, चूफाट आप लोग का है, फिर आप लोग का सुकमारी है सिकमारी, फिर आप लोग का स्नो लायन, फिर आप लोग का है याक, याक प्लाम है, फिर आप लोग का है कि आप लोग का डेंजोंग, डेंजोंग भी आप लोग का पूछा जाता है, फिर आप लोग का तासी, तासी नहीं पूछा जाता है आप लोग का, फिर आप लोग का यागकू, यागकू भी नहीं पूछा जाता है, फिर आप लोग नेनहा, नेनहा भी आप लोग का नहीं याद रखिएगा। तो आप लोग इसमें आप लोग का तीन याद रखिए, पहला आप लोग का चूफाट, फिर आप लोग का स्नो लायन, फिर आप लोग का सिकमारी, बस ये तीन याद रखना है, फिर आप लोग खत्म हो जाता है। फिर तमिलनाडु की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में आप लोग का कुम्मी लोकनृत्य, कुम्मी आप लोग को याद रखना है, कुम्मी
कोली अट्टम, कवाडी, ओट्टम, ओट्टम, ओट्टम। देखिए इसमें लास्ट में जहाँ भी अट्टम अट्टम दिखे तो आप लोगों को यहाँ पे तमिलनाडु टिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से पढ़ के बता देता हूँ, कहीं आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो जाए, क्योंकि केरला में भी बहुत सारे लास्ट में अट्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। पहला कुम्मी लोक नृत्य, फिर आप लोग का दूसरा है कोलट्टम नृत्य, फिर आप लोग कवाडी लोक नृत्य यानी कवाडी, फिर आप लोग का काई सिलबट्टम, फिर आप लोग का माइल अट्टम, ओली अट्टम, देवतरण, फिर आप लोग का पोइकल 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 कुदराई अट्टम, पोइकल कुदराई अट्टम, दोट्रम दोट्रम नहीं है आप लोग ये याद नहीं रखिए दोट्रम, फिर आप लोग का मारियल अट्टम याद रखिए। तो आप लोग तेलंगाना की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये काफ़ी याद रख सकते हैं ढिमसा, ढिमसा पूछा जाता है ढिमसा, और फिर आप लोग लंबाडी याद रख सकते हैं बस। फिर एक आप लोग बोनालू याद रखिए, तीन याद रखिए आप लोग तेलंगाना में, ढिमसा, लंबाडी और बोनालू बस। आज का आखिरी, इसके बाद आप लोग का शास्त्रीय लोक नृत्य आता है, जो कि मैं आप लोग को आज देखिए आगे का जो इसमें लोक नृत्य बचा हुआ है, इसमें जो आपका आगे का जो देखिए शास्त्रीय लोक नृत्य बचा हुआ है, जो कि मैं अगले आप लोग का पार्ट में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।